स्वागत है दोस्तों एलएमएडिक फार्म में। तो अभी हम मौजूद है 9 साल के ऑरेंज बगीचे में और इस सीजन का पहला स्प्रे हम आज करेंगे फ्लावर चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर और सेटिंग चार्जर। और ये हमारे सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक के प्रोडक्ट हैं। और पिछले साल जब हमारे बगीचे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तब हमने इन चारों प्रोडक्ट का प्रयोग किया था और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला था क्योंकि फ्लावरिंग वो बहुत ही कम हो रही थी। और जैसे ही हमने इन चारों प्रोडक्ट का प्रयोग किया था तो उसके बाद फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ गई थी और जितने भी फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हुए थे सभी जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुए थे। तो इस कारण अच्छा प्रोडक्शन निकल गया था। लेकिन जितनी फ्लावरिंग हुई थी आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं हमारे उस साल के कि किस प्रकार बहुत ही कम फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद भी इतना जोरदार प्रोडक्शन हमारा निकला तो इनका बहुत बेहतरीन हमें जो है परिणाम मिला था। तो इस बार हम थोड़ा लेट स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि फ्लावरिंग की तो हमारे बगीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल से ज़्यादा फ्लावरिंग आई है। लेकिन जो फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो, इस कारण इन चारों प्रोडक्ट का हम प्रयोग करेंगे। तो सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी के जो चार प्रोडक्ट हैं एनर्जी बूस्टर, फ्लावर चार्जर, फ्रूट चार्जर और सेटिंग चार्जर, इन चारों प्रोडक्ट का प्रयोग आज हम ऑरेंज बगीचे में करेंगे। और दोस्तों सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक के जो चारों प्रोडक्ट हैं फ्लावर चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर और सेटिंग चार्जर, तो इन चारों के क्या कार्य हैं इसके जो डिटेल वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर बना रखे हैं, तो आप चैनल पर जाकर इसके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और हम वीडियो के एंड में भी इन चारों प्रोडक्ट के जो हैं वो डिटेल वीडियो आपको बता देंगे, तो आप चाहे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं या आप वीडियो के एंड में भी हम बता देंगे कि ये क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग चार्जर की। तो ये वैदिक प्रोडक्ट है सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक का, तो इसके प्रयोग करने की जो विधि है वो थोड़ी अलग है। तो इसको 48 घंटे तक पानी में भिगोने के पश्चात फिर इसका प्रयोग किया जाता है। तो 48 घंटे तक पानी में हमने इसको भिगो दिया और ये तैयार हो चुका है। तो अब इसको छानकर फिर हम इसका प्रयोग करेंगे और इसका जो है प्रयोग है वो 3 बार कर सकते हैं। तो इसको छानने के पश्चात जो वेस्ट बचेगा उसको फिर से 48 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद फिर आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी बार आप कृषि अमृत में मिलाकर भी दे सकते हैं और वेस्ट को डायरेक्ट पौधों के भी डाल सकते हैं। तो ये 3 बार प्रयोग में आ जाता है। तो अभी हम पहली बार इसको प्रयोग कर रहे हैं और ये 2 बार और प्रयोग में आ जाएगा। और दोस्तों सेटिंग चार्जर प्रयोग करते समय आप अवश्य ध्यान रखें कि कभी भी जो वेस्ट नीचे बचेगा उसको आप कपड़े में बांधकर निचोड़े नहीं, तो कई किसान ये गलती करते हैं। तो इस कारण जो वो वेस्ट है उसको छानने के बाद उसको ऐसे ही नीचे रहने दें और फिर उसको पानी में मिला दें और फिर 48 घंटे के बाद आप उसको छोड़ दें तो वो तैयार हो जाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखें आप। और फिर तीसरी बार भी ऐसा ही करना है, फिर उसको छानकर फिर तीसरी बार वो बचेगा तो फिर उसको जो है आप पौधों के भी डाल सकते हैं और कृषि अमृत में मिलाकर भी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सेटिंग चार्जर का घोल तैयार करने के बाद हम इसके बाद फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर और फ्लावर चार्जर, इन तीनों प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये घोल है हमारा, ये पूरा जो है छान कर एक डब्बी में भर देते हैं और जितनी आवश्यकता हमारी रहेगी टैंक में उस हिसाब से हम डालते रहेंगे। और सेटिंग चार्जर का प्रयोग कितने लीटर में कितना है इसका जो डिटेल वीडियो है उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से प्रयोग करना है, कितने लीटर में कितने ग्राम मिलाना है। तो ये हमारा 500 ग्राम का जो पैकेट है ये कितने पानी के लिए हैं, तो आप जो पूरा डिटेल वीडियो है उसमें जाकर दे सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सेटिंग चार्जर हमारा तैयार है। तो दोस्तों सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी के हमारे वैदिक प्रोडक्ट हैं, तो उससे पहले जो टैंक है उसको पूरा साफ किया जा रहा है, उसके बाद ये हमारे वैदिक प्रोडक्ट हैं वो इसमें मिलाए जाएंगे। तो साफ करना आवश्यक है जिसके कारण जो है वो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो, कभी केमिकल के कारण अगर टैंक खराब हो तो वो साफ हो जाता है। सेटिंग चार्जर के बाद अब फ्लावर चार्जर का घोल जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों फ्लावर चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर, इनके क्या प्रमाण हैं, पानी में कितना मिलाना है, ये आप डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पैमाना तय किया गया है, बाग के लिए अलग, सब्जियों के लिए अलग, तो आप डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अभी फ्लावर चार्जर का घोल है वो तैयार किया जा रहा है।
इसके बाद फ्रूट चार्जर एनर्जी बूस्टर का प्रयोग किया जाएगा। तो चारों को अच्छी तरीके से मिलाकर फिर स्प्रे किया जाएगा। फ्लोर चार्जर के बाद अब सुपर फ्रूट चार्जर, सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी का सुपर फ्रूट चार्जर। तो सुपर फ्रूट चार्जर है वो तो कंपलसरी रहता है हर स्प्रे में, आप कौन सा भी स्प्रे करें उसमें सुपर फ्रूट चार्जर अवश्य मिलाएं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये सभी स्प्रे में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सुपर फ्रूट चार्जर का प्रमाण जो है प्रति लीटर में वो थोड़ा ज़्यादा रहता है अन्य प्रोडक्ट की तुलना में। तो सेटिंग चार्जर, फ्लोर चार्जर और अब फ्रूट चार्जर, इसके बाद एनर्जी बूस्टर का प्रयोग किया जाएगा और चारों का घोल अच्छी तरीके से मिलाकर फिर स्प्रे किया जाएगा। एनर्जी बूस्टर ये वैदिक प्रोडक्ट है। सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी वैदिक के फ्लावर चार्जर, फ्रूट चार्जर, एनर्जी बूस्टर और सेटिंग चार्जर, इन चारों का घोल है वो तैयार है। तो आज का जो स्प्रे है हमारा इन चारों प्रोडक्ट का रहेगा और अच्छी तरीके से जो है वो मिल चुका है और अब ऑरेंज बगीचे में छिड़काव किया जाएगा।
सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी, सुपर फ्लावर चार्जर। सुपर फ्लावर चार्जर 100% ऑर्गेनिक तंत्र ज्ञान और नैसर्गिक घटक से फूल धारणा और फल धारणा होने के लिए बनाया गया बोटनिकल और मिनरल फर्टिलाइजर है। सुपर फ्लावर चार्जर में ऑर्गेनिक जिंक फसल में ऑक्सीजन का सिंथेसिस करता है और कई प्रकार के 80 एंजाइम एक्टिव करता है। सुपर फ्लावर चार्जर में ऑर्गेनिक कैल्शियम कोशिका विभाजन क्रिया को गति देकर पेशीपटल से मूल द्रव्यों को अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है और संतुलित पोषण देने में मदद करता है। सुपर फ्लावर चार्जर में ऑर्गेनिक बोरान नैसर्गिक रूप से फसल के संतुलित विकास पर नियंत्रण रखता है, इसकी वजह से ज्यादा फूल और फल धारणा होती है। सुपर फ्लावर चार्जर में ऑर्गेनिक नाइट्रेट, अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, एल्कोलाइड, हार्मोन, जिंक, बोरान फसल में फूलों के उत्पादन के लिए और फल धारणा में आवश्यक एंजाइम के हार्मोन के निर्मित करने की प्रक्रिया में अनुकूल पोषण देने का कार्य करती है। एसिडी टेक्नोलॉजी सुपर फ्लावर चार्जर प्रमाण छिड़काव 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं और जमीन से ड्रिप के माध्यम से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं।